प्रॉपर उसने CHM, SM, SA, SM सबको बताया, कंपनी का मैनेजर तक बताया, छुट्टी नहीं मिली। घूम फिर क्या बेचारा कि भाई CEO से मिला दो, वही बात है, CEO से भी नहीं मिलाते। कैसे तैसे करके CEO के पास पहुंच गया, तो CEO ने भी उसकी माँ बहन सब लपेट दी, किसी को नहीं छोड़ा, माँ बहन बच्ची जो भी मिला सबको। मतलब एक तो उसकी छुट्टी की समस्या थी, एक घूम रहा था दर दर, और उल्टा उसको गालियां भी मिली सबके सामने, गालियां। वैसे कंधे पे लगा कर बोलते हो कि मैं तो रेजिमेंट का बाप हूं। अरे बाप बनना है तो बाप जैसा दिल पैदा करो। इस तरह घटियागिरी करके किसी जवान ने स्टेज में आकर गालियां दे दी और उसको 28+14 दे दी, ये क्या काम है आपका बाप का। हमारे जेशो साहब, एक जमाना होता था SM CEO की टेबल से बंदे को खींच लाता था कि छोड़ो साहब इसको पनिशमेंट, इसको ग्राउंड में दे दा के हम रफा दफा। प्रॉब्लम था, छुट्टी मांग रहा था। जब 90 दिन की छुट्टी ऑथराइज है तो कितने जवानों को छुट्टियां मिलती हैं? बहुत सी यूनिटों ने तो बना रखा है, जी हमारे यहाँ तो 60 दिन का नियम है। क्यों भाई, तू CEO की कमांड कर रहा है, 60 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं कटवा पा रहा, क्यों नहीं कटवा पा रहा? बोलेंगे मैन पावर की कमी है। 10 बंदे खुद लेकर बैठा है, प्रत्येक एक अफसर एक एक बड्डी लेकर बैठा है, और भी कोई अफसर की मैम साहब का काम फलाना काम कुत्ते को मारे, उनको क्यों नहीं कम करते? या ऊपर से जो डिमांड आती है कोर कमांड, कोई जनरल साहब के घर में, कोई उनके घर में, क्यों नहीं उस चीज को नेसेसरी कम करते? तुम्हारी पार्टियां किट्टी पार्टी फलाना पार्टी कभी कम हुई? कोई CEO हिम्मत करके नहीं बोलेगा भाई मेरे पास बंदे कम है, या सेना में भर्तियां कम हो रही हैं, या अग्निपथ के बाद में भी ऐसे जवान आ रहे हैं 20,000, जब उनको सैलरी दे रहे हो तो ऐसा सारा काम कैसे करेंगे? ये सरकार के सामने बोलने में तो तुम्हारी फट रही है, बैठता है नहीं भागता तो और कुछ कर बैठता है। अब इसका दिमाग में लास्ट बोझ यही आया, अननोन नंबर लिया और लगा दिया CEO को, इसने भी CEO की दबा के, माँ बहन बच्ची जिसको भी करना था इसने भी दबा के पेला सब। जब जवानों की माँ बहन को और उनको गालियां दे रहे हैं तो CEO साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा, SM साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब CEO साहब के पास गालियां पहुंच गई तब उसको दर्द हो गया कैसे गालियां देती। हालांकि सबसे पहले तो क्लियर कर दूं कि इस तरह की गलती कोई भी कमांडिंग ऑफिसर को आप इस तरह का गाली गलौज करोगे तो भैया आप सजा के हकदार हो। इस चीज का रविंद्र फौजी किसी भी हालत में सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन यहां मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि बंदे को मजबूर किया गया, ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई कि उसने गालियां दी, और फिर गाली को रिकॉर्डिंग करके जो उसको पनिशमेंट दी गई है 14+28, मैं इस चीज के ऊपर कुछ सवाल उठाना चाहता हूं। सबसे पहले कोर्ट की तरफ भी जाएंगे, लेकिन मैं पहले इस वीडियो के माध्यम से अभी एक बार उन CEO साहब तक पहुंचाना चाहता हूं कि ठंडे दिमाग तक पहुंचे, और उनकी मैम साहब और उनके भी बच्चे होंगे तो उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी अपने पिताजी को समझाइए कि दिन रात आप जिन जवानों को गालियां देते हैं उनके भी माँ है, उनके भी बहन है, उनके भी बच्चे हैं, उन्होंने आज तक तो कुछ नहीं किया और आपने एक ही बार देते ही सारी हदें पार कर दी, तो इस पर जरूर गौर करें। जिन लोगों को लगता है कि पॉइंट सही है, मैं फिर कह रहा हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उस जवान को न्याय मिल सके। लेकिन मैं इससे पहले हमारी देश की जनता से, हमारे जवानों से जो मुझसे जुड़े हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि वह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इसमें मैंने पूरी कहानी बताई हुई है पहले भी, किस तरह एक जवान को इस तरह पनिशमेंट हुई थी और वो कैंसिल करवाई थी हमने वीडियो के जरिए ही। तो मैं आज भी चाहता हूं कि वीडियो ही वहां तक पहुंच जाए तो ये कैंसिल हो जाएगी। लेकिन कई बार क्या है कि हम इस तरह वीडियो बनाते बनाते, अभी मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो मैं भी सोचता हूँ कि भाई 5 मिनट में वीडियो खत्म कर दे, लेकिन भैया समस्या ऐसी बड़ी होती है, नहीं खत्म होता है। बाकी आप लोग चाहते हो कि ऐसे लोगों को, ऐसे घटिया अधिकारी, ऐसे आरामखोर अधिकारियों को कोर्ट के रास्ते से या और भी किसी रास्ते से इनको सबक सिखाना है तो रविंद्र फौजी का सपोर्ट करो। रविंद्र फौजी की जो लड़ाई है सहायक प्रथा या ये जो गुलामी आपसे कराई जा रही है, इसी के लिए रविंद्र फौजी लड़ रहा है। और अभी 2024 में मैंने कुछ बड़ा करने का प्लान किया है, लेकिन इस बड़े में अब रविंद्र फौजी को कमेंट्स तो इतने बड़े बड़े करते हो कि सर इनको पेल लो, ये कर दो, लेकिन जब रविंद्र फौजी कहता है कि भाई ये सब करने के लिए तन मन धन से साथ करो, तो तन मन का तो ठीक है, धन का नाम सुनते ही वीडियो छोड़ देते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पूरा जरूर देख लेना मेरा, नहीं तो इस जवान का भला हो जाए, वीडियो शेयर जरूर कर देना आप, नहीं तो कोई दूसरा मदद करेगा। और इस बार हम जो बड़ा कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो तो ये मेरा नंबर है 82-90-35-45-13, ये मेरा फोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। भैया
आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा मिलकर इस बार सहयोग करोगे तो हम एक बड़ा प्लान कर रहे हैं और सक्सेस हो सकता है, जिसके जरिए हम ये गुलामी, सहायक प्रथा और ये जो जवानों पर और अत्याचार हो रहे हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अग्निपथ आने के बाद में आपको पता है कि गुलामी और बढ़ रही है, जवानों का भविष्य गर्त में है, तो चाहते हो कि ये अग्निपथ पर भी कार्रवाई हो और ये गुलामी पर कार्रवाई हो, तो हमारा साथ और सहयोग दो। ये मेरा बार कोड है, आप इसके माध्यम से अगर फोन पे पेटीएम नहीं तो इसके माध्यम से किसी भी उससे पेमेंट भेज सकते हो, अगर भेजना चाहो तो। माननीय राविंद्र फौजी भी, आप जैसा जवान ही है, टाटा बिरला नहीं है कहते हो, अब मेरे से जो हो रहा है मैं कर ही रहा हूँ। इसके अलावा ये मेरा नंबर है 612-642-33-600, ये मेरा SBI का अकाउंट नंबर है, IFC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। वीडियो के लास्ट में भी मैंने ये बताई है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है, आप देख नहीं पाते, इसलिए मैंने फर्स्ट में ये चीज़ें दोबारा दोहराई है। फिर कह रहा हूँ कि जो दे सकते हैं, जो भी आप अपनी अनुसार 1,500, 100, 200 जो मदद करो तो हम कुछ बड़ा कर सकें, नहीं तो वीडियो जरूर शेयर कर देना, कम से कम इस जवान की हम सजा कैंसिल करवा सकें। जब अपने खुद के ऊपर आती है ना तो पता चलता है मुसीबत क्या है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, कल मेरे पास एक सेना के जवान का कॉल आया और उसने मेरे को बताया कि सर हमारी यूनिट में एक केस हो गया और एक बेचारा सिपाही फंस गया। जवान को 28 दिन RI, 14 दिन पे फाइन कर दिया गया, 14+28, और वो बंदा क्वार्टर गार्ड में है। तो मैंने कहा भाई क्वार्टर गार्ड में होगा तो क्यों हुआ, कहानी क्या है? बोला सर उस बंदे ने फोन पर CO साहब को गालियां दे दी। अब मैंने बोला भाई CO साहब को गालियां देगा तो पनिशमेंट तो मिलेगी। बोला सर मैं आपको इसके पीछे की कुछ कहानी बताना चाहता हूं कि गालियां क्यों दी। उस जवान ने यह बोला कि आपको एक पॉइंट बताता हूं कि पहले CO साहब भी रोज किसी न किसी को मैं बहन की गालियां देता रहता है, जैसे तक को नहीं छोड़ता, और उस जवान को भी दबा के गालियां मिली हैं। काफी दिन से वो छुट्टियां मांग रहा था और स्ट्रेस में आकर उसने लास्ट में 2 पैक लगाया और शाम को अननोन नंबर से CO साहब को गालियां दे दी। CO साहब ने वो रिकॉर्डिंग कर ली। अब अननोन नंबर है, बोले किसका है पता नहीं, तो उसने खास अपने जेसीओ जूसीओ को RP सेक्शन को बुला के भैया रिकॉर्डिंग पहचानो, तो उस बंदे को पहचान लिया और उसको 28+14 डालकर क्वार्टर गार्ड में डाल दिया। हालांकि सबसे पहले तो क्लियर कर दूं कि इस तरह की गलती कोई भी कमांडिंग ऑफिसर को, आप इस तरह का गाड़ी ग्लोज करोगे तो भैया आप सजा के हकदार हो। इस चीज़ का रविंद्र फौजी किसी भी हालत में सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन यहां मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि बंदे को मजबूर किया गया, ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई कि उसने गालियां दी और फिर गाली को रिकॉर्डिंग करके जो उसको पनिशमेंट दी गई है 14+28, मैं इस चीज के ऊपर कुछ सवाल उठाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी बताने से पहले कि भाई CO साहब कौन है, जवान कौन है, ये सारी चीजें मैं बताने से पहले एक चीज और बताता हूं। आपको याद होगा 2017 में CRPF का एक जवान पंकज मिश्रा, मेरे इसी चैनल रविंद्र फौजी XRMRTF पे उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है, 2017 में उस जवान ने परेशान होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, राजनाथ जी को और CRPF TG तक को गालियां दे दी थी। और जब उसका एक वीडियो वायरल हुआ तो उसको गालियां देने के बाद तुरंत CRPF ने 28 दिन का क्वार्टर गार्ड दे दिया था। फिर वो बातें हमारे तक पहुंची, हमने उसको वीडियो बनाया, वीडियो वायरल किया, तो वो वीडियो उड़ते उड़ते अमित शाह जी तक गया, प्रधानमंत्री तक गया, और फिर प्रधानमंत्री जी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए, अमित शाह जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कि भाई ये गालियां बंदे ने दिया है, इसकी जांच करो किस स्तर पर, लेकिन इसकी सजा को कैंसिल किया जाए, और उस जवान की वो सजा कैंसिल हुई। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले आज यही उम्मीद करूंगा, हाथ जोड़कर, कि इस वीडियो को इतना शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये वीडियो भी RB हेडक्वार्टर तक, रक्षा मंत्रालय तक, अमित शाह जी तक, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे।
कि एक देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और डीजी तक को गाली देने पर 28 दिन की सजा, लेकिन वो बाद में कैंसिल हो सकती है। तो ये सीईओ को गालियां दी है तो इसकी सजा को भी कैंसिल किया जाए, इसको शारीरिक जो भी बीपीटी पीपीटी जो भी सजा लागू है वो देकर, न कि आर्थिक, क्योंकि हमेशा मेरी लड़ाई रही है कि बहुत से अफसर बोलते हैं ना कि गालियां भी देते हैं, पीठ पे भी लात मारते हैं और पेट पे भी, तो इसने दोनों चीज किया है। तो वीडियो को शेयर करें, मैं आपको कहानी बताता हूं तरतीब भाई घटना क्या हुई थी। दूसरी बात बची हुई कि वो जवान काफी दिन से छुट्टी नहीं गया, घर में समस्या है, लगातार छुट्टी के लिए चक्कर काट रहा था। प्रॉपर उसने सीएचएम एसएम एसएम सबको बताया, कंपनी का मैनेजर तक को बताया, छुट्टी नहीं मिली। घूम फिर क्या बेचारा कि भाई सीओ से मिला दो, वही बात है, सीओ से भी नहीं मिलाते, कैसे तैसे करके सीओ के पास पहुंच गया। तो सीओ ने भी उसकी माँ बहन सब लपेट दी, किसी को नहीं छोड़ा, माँ बहन बच्ची जो भी मिला सबको, मतलब एक तो उसकी छुट्टी की समस्या थी, एक घूम रहा था दर दर, और उल्टा उसको गालियां भी मिली, सबके सामने गालियां मिली, सब ऐसा सारे खड़े हैं लेकिन किसी की जबान नहीं, और भगा दिया। स्टेज में आकर जवान शाम को अपना दो पैग लगाया, या तो ऐसे स्थिति में जवान भाग लेता है, नहीं भागता तो और कुछ कर बैठता है। अब इसका दिमाग में लास्ट बोझ यही आया, अननोन नंबर लिया और लगा दिया सीओ को, इसने भी सीओ की दबा के माँ बहन बच्ची जिसको भी करना था इसने भी दबा के पेला सब। जब जवानों की माँ बहन को और उनको गालियां दे रहे हैं तो सीओ साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा, एसएम साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब सीओ साहब के पास गालियां पहुंच गई तब उसको दर्द हो गया कैसे गालियां देती, और उसने उस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड किया और अपने खास जेसीओ एसएम अर्जुडेंट मतलब सबको बुला के कि भाई इस जवान को कैसे पकड़ो, धीरे धीरे वो बातें निकलती निकलती आवाज को कैच कर लिया गया और उस कैच करने के आधार पर उसको सजा हो गई, और वो सजा भी 28+14 जो कि नाजायज मानता हूं मैं। पहली बात तो इसको शारीरिक दंड देना था, बीपीटी कराना था, एक्स्ट्रा ड्यूटी देना था, फिर भी नहीं थी, छोटी मोटी कोई भी सजा दे सकते थे, वार्निंग दे सकते थे, बड़ा पैक दे सकते थे, लेकिन 28+14 ये गलत भी है। दूसरी बात कि उस जवान की बिना परमिशन सुप्रीम कोर्ट भी किसी रिकॉर्डिंग के आधार पर किसी को पनिशमेंट नहीं देता है, तो इस सीओ ने कैसे उसका भी रिकॉर्ड का हवाला तोड़ दिया। जवान चाहे तो इन चीजों को लेकर मैंने बात कर रखी है, जैसे बाहर आएगा कोर्ट की तरफ भी जाएंगे, लेकिन मैं पहले इस वीडियो के माध्यम से अभी एक बार उन सीओ साहब तक पहुंचाना चाहता हूं कि ठंडे दिमाग तक पहुंचे, और उनकी मैम साहब और उनके भी बच्चे होंगे तो उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी अपने पिताजी को समझाइए कि दिन रात आप जिन जवानों को गालियां देते हैं उनके भी माँ है, उनके भी बहन है, उनके भी बच्चे हैं, उन्होंने आज तक तो कुछ नहीं किया, आपने एक ही बार देते ही सारी हदें पार कर दी, तो इस पर जरूर गौर करें। जिन लोगों को लगता है कि पॉइंट सही है, मैं फिर कह रहा हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उस जवान को न्याय मिल सके। और हमारे बीच का जो रैंक है ना, जो सिर्फ स्टार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो रहा है, उससे भी कहना चाहता हूं कि थोड़ा आप अपनी भी पावर दिखाओ, अगर सीओ साहब को सही गाइड करते तो ये केस नहीं होता। और ये वीडियो मेरा वार्निंग है उन सब के लिए, वहां तक अगर इस केस को हल कर लिया जाता है अपने लेवल पर, इस जवान की सजा को कैंसिल करके, और जो भी ये क्वार्टर गार्ड में तो रह रहा है, शारीरिक शोषण इसका हो ही रहा है, लेकिन इसका आर्थिक नुकसान भी अगर रिकवर कर दिया जाता है तो मैं इस जवान की को लेकर कोर्ट नहीं जाऊंगा, और ना ही मैं इस सीओ महोदय का इनकी यूनिट का नाम उजागर करूंगा, अन्यथा फिर हमें ये सारी चीजें ओपन फिर बोलोगे कि यूनिट का बदनाम कर दिया, सीओ साहब का बदनाम कर दिया, फिर हमारे ऊपर केस करोगे, फिर हमारे तो हम तो खड़े ही हैं सनम टक्कर लेने के लिए, आ जाओ मैदान में, हिम्मत है तो फिर हम लेंगे आपका टक्कर। लेकिन उस बेचारे जवान को जो आपकी छत्र छाया में नौकरी कर रहा है, जो आपके हुक्म के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, उसको आपने जो दिया है वो गलत है। वीडियो को शेयर करें, जल्दी मेरे पास वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी, क्योंकि यूनिट से मेरे पास खबर आ जाएंगी कि क्या हुआ क्या नहीं, तो तैयार रहिए, फिर हम इसके लिए एक और लंबी लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।